चलिए आज हम मसाला मैगी बनाते हैं। 3-4 बीन्स लिया, इसे बारीक चॉप कर लिया है हमने। 1 गाजर लिया है, गाजर को भी बारीक चॉप कर लेंगे इस तरीके से। 1 शिमला मिर्च लिया है, इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हमारा शिमला मिर्च चॉप हो चुका है बारीक। 1 टमाटर लिया है हमने, इसे भी बारीक चॉप कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टमाटर बारीक चॉप हो चुका है। हमने 1 प्याज लिया है, अब इस प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज बारीक चॉप हो चुका है। पत्ते गोभी के 2-3 पत्ते लिए हैं, इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पत्ता गोभी बारीक चॉप हो चुका है। 2 हरी मिर्च ली है, इसे हम बारीक चॉप करके मिला लेंगे। 1 कप हमने ग्रीन मटर। फ्राई पैन में हमने तेल ले लिया है, अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें जीरा ऐड कर चुके हैं, अब हमने इसमें प्याज ऐड किया है, इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे। अब हम इसमें सभी सब्जी को ऐड करके अच्छी तरीके से पका लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। दो पैकेट हमने मैगी लिया है, हमने इसमें मैगी ऐड कर दिया है। तो हमने इसमें मैगी मसाला ऐड किया, हमने 1 बटर क्यूब ऐड कर दिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर पक। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मैगी बनके तैयार हो चुका है।